साथियों, ग्रीस और भारत के रिश्ते सदियों से हैं। ये रिश्ते सभ्यता के हैं, संस्कृति के हैं। ग्रीक इतिहासकारों ने भारतीय सभ्यता का बहुत गहन वर्णन किया है। ग्रीस और मौर्य साम्राज्य के बीच मित्रता पूर्वक रिश्ते रहे। सम्राट अशोक के भी ग्रीस से बहुत अच्छे संबंध रहे। जब दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा तक नहीं होती थी, तब हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, व्यापार हो, हम दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया भी है। मेरे परिवारजनों, हर सभ्यता और हर संस्कृति की कुछ न कुछ एक विशेष पहचान होती है। भारतीय सभ्यता की पहचान विश्व को जोड़ने की रही है। इस भावना को हमारे गुरुओं ने सबसे ज्यादा सशक्त किया है। गुरु नानक देव जी का विश्व भ्रमण, जिसको हम उदासियों के रूप में जानते हैं, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि वो मानवता को जोड़ें, इंसानियत का भला करें। गुरु नानक देव जी ने ग्रीस में भी अनेक स्थानों की यात्रा की थी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। सबका भला हो, सबका हित हो, यही कामना तब भी थी और आज भी भारत इन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ा रहा है। आपने देखा है कि कोरोना काल में कैसे भारत की दवाओं ने सप्लाई चेन को चलाए रखा, रुकावटें नहीं आने दी। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन ने दुनिया भर में करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के इस काल में हमारे गुरुद्वारों में लंगर लगे, मंदिरों में भंडारे लगे, हमारे सिख नौजवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में ये जो काम भारत करता है, यही हमारे संस्कार हैं।